मैं तो इस बात को मानता हूं कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है। 500 वर्षों में मुझे तो बताइए कि कौन से ऐसे 10-15 वर्ष रहे हैं जब अयोध्या में बड़ा कोई आंदोलन न हुआ हो। 492 वर्ष के दौरान कोई भी एक 20 से 25 वर्ष का कालखंड अगर आप देखें तो एक बड़ा आंदोलन अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए हुआ, लेकिन संगठित रूप से देशव्यापी आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ने वो जो संतों के निर्देशन में चलाया और परिणाम हमारे सामने आया। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या छोटा क्या बड़ा, जाति मत संप्रदाय सारे भेद समाप्त हुए, सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से फूटा था जय श्री राम का। ये सब अपने आप में मंत्र बन गया। और जब वो शुभ मुहूर्त हमारे सामने आई है अयोध्या में उस प्रकार का माहौल देना, उस प्रकार की स्थिति को स्थापित करना, याद करना 3 वर्ष पहले मैं इसीलिए सबसे पहले दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए अयोध्या इसीलिए आया था। क्योंकि मैं जानता था कि ये जो कड़ियां मिल रही हैं तो बगैर ईश्वर की प्रेरणा से नहीं मिल रही है, ईश्वरीय प्रेरणा है। अगर दीपोत्सव की प्रेरणा हमें मिल रही है कि नहीं, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, जिसके पीछे इसका मतलब ये राम काज ही है और उस काज के लिए हम लोगों को अयोध्या को दीपोत्सव के साथ जोड़ देना चाहिए। और आज दुनिया में आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया इंतजार करती है। आपने देखा होगा पिछले से पहले हम लोगों ने फिजी और उससे पहले साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, उनके विचारों को आपने सुना होगा। अरे अयोध्या देश और दुनिया में कितना व्यापक प्रभाव है अयोध्या का, और ये करने में हम सफल रहे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और अयोध्या के प्रति, देश के प्रति, भारतीयता के प्रति जो एक भाव उनके अंदर है, आज उसका परिणाम है कि शुभ मुहूर्त हम सबके सामने आ रहा है। इस शुभ मुहूर्त में कुछ कार्यक्रम हम लोगों को, मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होना है और मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होगा तो हम लोग मुख्य कार्यक्रम में पूज्य संतगण जो व्यवस्था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से बनाए गए उस कार्यक्रम की व्यवस्था उसके अनुशासन का हम सब पालन करेंगे, क्योंकि पूरा आयोजन तीर्थ क्षेत्र के द्वारा जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी उसी के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है और मैं आप सबसे विनम्र अपील करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 3 दिन से यानी 3 रक्षाबंधन से हमारा प्रयास होना चाहिए कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हम लोगों के स्तर पर, हर मंदिर में बस देर सोशल यानी वहां पर हम लोग जो भी कोरोना वायरस से संबंधित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हैं, फंसते हुए दिखाई लगातार चले। हमारी व्यवस्था रहेगी कार्यक्रम जिन भी पूज्य संतों को मुख्य आयोजन में भाग लेना है क्योंकि वो संख्या सीमित होगी, हमें COVID-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, कार्यक्रम को भव्य भी बनाना है, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को ले जाना है। अयोध्या के सामने एक अवसर है और अवसर इस बात का है कि दुनिया अयोध्या को जिस रूप में देखना चाहती है उस प्रकार की क्षमता हम लोगों में है या नहीं है, ये हमें स्वयं अपने आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया के सामने साबित करना है।
हम करेंगे, अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे। और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या आ रहा, इसकी तैयारी इस रूप में तैयारी। स्वच्छता पहली शर्त होनी चाहिए। सभी पूज्य धर्माचार्यगण अपने मठ, अपने मंदिर, अपने आश्रम के आसपास प्रशासन पूरी व्यवस्था के साथ साथ और हमें इसको अपने साथ जोड़ना है। दीपावली कहीं भी मनाए
अयोध्या नाम उसके साथ जुड़ जाए, अयोध्या नाम उसके साथ जुड़ जाए। कौन क्या कर रहा है इसमें बहुत ज्यादा प्रवाह नहीं करना, किसी का खंडन मंडन में विश्वास नहीं करना, कुछ नहीं। ये हमारा कार्य जो हमें आगे बढ़ना है, एक सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, और उस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया के सामने अयोध्या को उस रूप में प्रस्तुत कर देना है जिसकी हकदार अयोध्या थी। प्रभाव मंदिर निर्माण के इस शुभ मुहूर्त के लिए जो सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, मैं सचमुच इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि किस आयोजन में हम सबको सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद इस पूरे कार्यक्रम में प्राप्त हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी हैं, अभी परसों अयोध्या में पूज्य महाराज जी की, पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की पुण्यतिथि भी मनाई गई। क्योंकि कार्यक्रम में हम सब जानते थे कि कोरोना के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होना है, इसलिए मैं स्वयं भी उस कार्यक्रम में नहीं सहभागी बन पाया, लेकिन पूज्य महाराज जी की आत्मा को असीम शांति प्राप्त हो रही है कि जीवन का जो निश्चय था वह पूर्ण हुआ है। मेरे स्वयं के पूज्य गुरुदेव को, उनको जब अंतिम समय में लोग पूछते थे, मुझे याद है जब वो वेदांता में भर्ती थे और सभी अशोक सिंगल जी उन्हें देखने के लिए गए, तो अंतिम शब्द उनके अशोक जी के लिए थे कि क्या अशोक जी मंदिर बनेगा। तो अशोक जी ने भी कहा कि महाराज जी आप चिंता मत करिए, मंदिर जरूर बनेगा, आप स्वस्थ हो जाइए। ये अंतिम वाणी थी उनकी। अपने सुप्रीम किलाधीश पूज्य महाराज जी, अनगिनत पूज्य संतों की एक लंबी परंपरा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल और केवल राम जन्मभूमि के लिए, और देश का कौन सा ऐसा कोना है, कौन से ऐसी जाति, कौन सा ऐसा पंथ और संप्रदाय है जिसने राम जन्मभूमि के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान न दिया। योग्य नेतृत्व होता है, सजोने के लिए एक दक्ष योजक होते हैं, टीम होती है, तो कार्य की सिद्धि होती है, सफलता भी प्राप्त होती है। और संयोजन के लिए विश्व हिंदू परिषद था, नेतृत्व देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, मार्गदर्शन के लिए पूज्य संत थे, और राजनीतिक क्षेत्र में भी जब इस प्रकार का नेतृत्व आ जाता है तो वह साधना सिद्धि में बदल जाती है, और उस सिद्धि के रूप में प्रदान करने के लिए मोदी जी हम सबके सामने 2014 में आए, तो आज वो शुभ मुहूर्त हम सबको देखने को प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे अपील करूंगा कि व्यापक अभियान का हिस्सा बनकर के हम अयोध्या में उस प्रकार की एक व्यापक रणनीति को बनाएं, और उस व्यापक रणनीति का हिस्सा अगर हम बनते हैं तो यहां पे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा भी अवमान हो पूरा देश के लिए। अद्भुत कार्यक्रम में 5 अगस्त की तिथि यादगार तिथि बनते हैं, देश के लिए भी दुनिया के लिए, और यादगार तिथि बनाने के लिए कितने स्थानों के संकल्प होना, विकास की कार्य योजना किस रूप में अयोध्या की तैयार होनी है, राम मंदिर का निर्माण देश और दुनिया का हिंदू करेगा,